हाय, टुडे वी विल टॉक अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड एज राइनोप्लास्टी। बहुत से लोग हमें मैसेज करते हैं, मतलब पूछते हैं, इवन जब वो कंसल्टेशन में आते हैं, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट वन टॉपिक अबाउट राइनोप्लास्टी, या एक विषय में वो बहुत जानना चाहते हैं अपनी नोज जॉब के बारे में कि क्या नोज जॉब या राइनोप्लास्टी पेनफुल है। इज दी सर्जरी पेनफुल? डॉक्टर गुप्ता, विल आई बी इन पेन? Hi, I'm Dr. Gupta. I'm a board-certified plastic surgeon working in Delhi. And today I'll be talking about pain in rhinoplasty surgery. So, rhinoplastic surgery है जो दो तरीके से की जाती है, open या closed method. दोनों में बहुत ही small फर्क होता है incision का. Open तरीके से आप rhinoplasty बहुत smoothly और accurately और precisely कर सकते हैं. इसके ऊपर मेरी और भी videos हैं. हम उस टॉपिक को उस पर रहने देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ओपन या क्लोज राइनोप्लास्टी करते हैं तो क्या मुझे पेन होगा या नहीं होगा। सो जिस तरह से सर्जरी करी जाती है, जिस तरह से टिश्यू हैंडलिंग की जाती है, उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को पेन होगा या नहीं होगा। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप टिश्यू को बहुत स्मूथली और जेंटली हैंडल करते हैं, सर्जिकल टाइम इज वेरी प्रिसाइज एंड यू आर नॉट टेकिंग एक्सेस ऑफ टाइम कि टिश्यूज एक्सपोज रहे, उनमें स्वेलिंग ज्यादा है, तो आपको पेन नहीं होता है। सर्जरी बेहोशी में ली जाती है तो उस दौरान तो पेन होने का मतलब नहीं बनता। सर्जरी के बाद जब पेशेंट होश में आ जाता है, उस समय लोकल एनेस्थीसिया का फर्क भी होता है और पेशेंट को दर्द नहीं होता। उसके बाद की रिकवरी में डिपेंड करता है कि टिश्यू हैंडलिंग कैसे की गई है। नाउ हम जिस तरह से राइनोप्लास्टी करते हैं तो एक टूल होता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक टूल, अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी। नाउ एक ही टूल है जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, जो बेसिकली पीजोटोम है, PIEZOTOME। इससे क्या होता है कि जो भी बोनी पार्ट है राइनोप्लास्टी का, जो भी हड्डी मोबिलाइजेशन है, किसी की हड्डी नाक में टेढ़ी है, किसी की चौड़ी है, किसी की पतली है, जो भी उसको मोबिलाइज करना है, वो अल्ट्रासोनिक तरीके से किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक तरीके से क्या होता है कि उसका जो इंसीजन है बोन को मोबिलाइज करने का, बोन को स्क्रेप करने का या शेप करने का, वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होता है। आसपास के टिश्यूज में उसका इफेक्ट नहीं होता। तो आप समझिए कि पहले हम करते थे बोन को, आप एक चिसल और एक हैमर से, जैसे कारपेंटर छीलता है वैसे करा करते थे। उससे क्या होता है कि प्रिसिजन कम हो जाता है, मोर देन द प्रिसिजन, वो जो चिसल और हैमर है सिर्फ हड्डी नहीं काटते, आसपास के थोड़े से सॉफ्ट टिश्यूज को भी इंजरी पहुंचाते हैं, तो आपकी स्वेलिंग, ब्रूजिंग और पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अल्ट्रासोनिक तरीके से करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की जो वेवलेंथ है वो इस तरह से टेलर्ड होती है कि वो सिर्फ बोन को ही काटे, आसपास के किसी टिश्यूज को कोलैटरल डैमेज ना पहुंचाए। जब वो डैमेज नहीं होगा, सिर्फ बोन कटेगी, तो नेचुरली प्रिसिशन बढ़ जाएगा और साथ में कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, तो आपका रिकवरी में जल्दी हो जाएगी, पेन नहीं होगा। क्योंकि जो बाकी टिश्यूज होते हैं, पेरिओस्टियम होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, उनकी इंजरी से पेन होता है। सो एक तो ये हो गया कि आपकी बोन के फ्रेमवर्क में जब भी ब्रेकेज होगा, जब भी होगा, अगर आपने प्रिसाइज किया तो आपका पेन नहीं होगा। उसके अलावा राइनोप्लास्टी में कार्टिलेज मॉडिफिकेशन होता है, कार्टिलेज के मॉडिफिकेशन में कभी भी पेन होता ही नहीं है। तीसरा हो जाता है स्किन। तो स्किन के अगर आपने जेंटली हैंडल किया हो, टाके बहुत प्रिसाइसली लगाया हो, तो आपको पेन ही नहीं होता। तो हमारे पेशेंट से अगर आप पूछेंगे सर्जरी के बाद, दे डोंट हैव एनी पेन, दे विल टेल यू नेक्स्ट डे आई हैव नो पेन, आई हैव जस्ट स्टफी नोज, प्लास्टर है, स्प्लिंट है, उसका थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, बट पेन नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी किस तरह से की जा रही है, कौन कर रहा है, क्या टूल्स, क्या मॉडर्न टूल्स यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिकवरी है वो फास्ट हो रहा है, स्वेलिंग, ब्रूजिंग कम हो रही है और पेन हो ही नहीं रहा। सो दिस वाज माय अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू कि राइनोप्लास्टी कैन बी अ पेनलेस सर्जरी, इट इज टोटली पेनलेस द वे वी डू इट। अगर आपके कोई और सवाल है, कोई और डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं राइनोप्लास्टी के रिगार्डिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं। मी एंड माय टीम विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू। टेक केयर, बाय बाय।